आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है करंट लूप कंसिस्ट्स ऑफ टू आइडेंटिकल सेमी सर्कुलर पार्ट्स ईच ऑफ रेडियस आर। देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन था इसमें सिमिलर था जिसको हम सेमी सर्कुलर धोखे से पढ़ रहे थे, तो पढ़ने में भी आपको बहुत ध्यान देना है, थोड़ी थोड़ी सी गलतियाँ क्वेश्चन को गलत कर देती हैं। अब यहाँ पर सेमी सर्कुलर है, ऊपर नहीं। तो कह रहा है कि एक करंट कैरिंग लूप है हमारे पास, एक नहीं दो हैं, और दोनों आइडेंटिकल मतलब एक समान हैं, और सेमी सर्कुलर पार्ट ईच ऑफ रेडियस आर, वन लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन एंड द अदर इन वाई एक्स जेड प्लेन। तो दो हमारे पास आइडेंटिकल सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। सेमी सर्कुलर का मतलब अर्ध वृत्ताकार, आधे वृत्त में, और एक एक्स वाई प्लेन में है तो दूसरा एक्स जेड प्लेन में है। कह रहा इफ द करंट इन द लूप इज आई, अगर इन लूप में करंट आई है तो द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द टू सेमी सर्कुलर पार्ट्स एट दियर कॉमन सेंटर इज। तो अगर इनमें करंट आई का फ्लो हो रहा है तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा इन दोनों अर्धवृत्ताकार लूप के कारण इनके सेंटर पर, कॉमन सेंटर पर, ये हमको बताना है। तो जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही जैसे यहाँ पर किया था, ये पूरा सर्कुलर लूप था। अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो सेमी सर्कुलर लूप है, तो उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस हाफ कर देना है, इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि जब वृत्त आधा हो गया तो हम मैग्नेटिक फील्ड भी आधी कर देंगे। तो कह रहा है कि द लूप मेंशन्ड इन द क्वेश्चन मस्ट लुक लाइक वन एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए फिगर बना है, हमारे पास अर्धवृत्ताकार लूप एक ये है और एक अर्धवृत्ताकार लूप ये है। एक हमारा एक्स जेड प्लेन में है, ये वाला एक्स और जेड प्लेन में है, और ये वाला हमारा एक्स और वाई प्लेन में है। ये जैसा फिगर में दिखाया गया है सेम ऐसे ही कंडीशन है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द लूप मेंशन्ड इन द क्वेश्चन मस्ट लुक लाइक वन एज शोन इन द फिगर, तो जैसा हमने चित्र में देखा वैसा ही हमारा लूप रखा गया है। दो लूप जो अर्धवृत्ताकार है, एक एक्स जेड प्लेन में और एक एक्स वाई प्लेन में। कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द सेमी सर्कुलर लूप लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, तो जो एक्स वाई प्लेन में है, इस एक्स वाई प्लेन में ये वाला लूप, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी। तो यहाँ पर देखिए पहले तो अर्ध वृत्ताकार है तो आधा कर दिया, और पूर्ण वृत्ताकार लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है मी जीरो आई अपॉन टू आर, वो लिखा, और बस अर्धवृत्ताकार के लिए उसी का आधा कर दिया गया है और कुछ भी नहीं। अब देखिए निगेटिव जेड डायरेक्शन में कैसे कह रहा है, तो इसको समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर देखिए जेड डायरेक्शन इधर को है, जेड डायरेक्शन इधर को है, ये करंट इधर को जा रही है। जब करंट इधर को जाएगी तो हम किसी पेंच को ऐसे क्लॉक वाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएंगे तो पेंच अंदर की ओर धंसता है, तो जिधर को पेंच धंसता है वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी। तो चूंकि अंदर को धंसेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये अंदर की तरफ होगी, क्योंकि जेड एक्सिस हमारा यहाँ पेन खड़ा कर दें तो बाहर की ओर है। गौर करिए ये चूंकि इस पेपर पर बनाया नहीं जा सकता इसलिए तिरछा लाइन खींची गई है, वैसे यहाँ पर पेन खड़ा कर दें तो सीधा जैसे हमारी ओर पेन खड़ा है वैसे अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा,
यानी हमारी तरफ जेड एक्सिस है, तो अंदर की तरफ माइनस जेड एक्सिस होगी, तो माइनस जेड एक्सिस की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्स वाई प्लेन के कारण डायरेक्शन किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड की, जेड डायरेक्शन होगी निगेटिव वाली। सिमिलरली फील्ड ड्यू टू द लूप इन, अब इसी प्रकार से इस लूप के कारण ये जो हमारा एक्स जेड प्लेन में है, तो एक्स जेड प्लेन के कारण क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस लूप को ऐसे क्लॉकवाइज दिशा में चलें जैसे करंट जा रही है, तो चूंकि ये एक्स जेड प्लेन में है यानी हमारी तरफ ऐसे प्लेन है, तो इसमें अंदर की तरफ यानी वाई की अपोजिट यानी निगेटिव वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। तो यहाँ पर देखिए एक्स जेड प्लेन यानी बी एक्स जेड इक्वल टू हाफ म्यू जीरो आई अपॉन टू आर होगा इन निगेटिव वाई डायरेक्शन। अब देखिए निगेटिव जेड डायरेक्शन और निगेटिव वाई डायरेक्शन, निगेटिव जेड डायरेक्शन और निगेटिव वाई डायरेक्शन एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं और इनका रिजल्टेंट इन दोनों का परिणामी जो होगा वो इस समकोण के या रेक्टेंगल के क्या होगा, विकर्ण से जाएगा, डायगोनल से जाएगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई का स्क्वायर प्लस बी एक्स जेड का स्क्वायर, तो इक्वल टू म्यू जीरो आई अपान फोर आर प्लस म्यू जीरो अपान आई अपान फोर आर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। सॉल्व किया तो ये बाहर आ जाएगा, तो म्यू जीरो आई अपान फोर आर इंटू रूट टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वन का स्क्वायर प्लस यहाँ का वन स्क्वायर बचेगा, तो ये आ गया हमारा म्यू जीरो आई अपान, नीचे ये रूट टू हटेगा तो टू रूट टू लिख सकते हैं और नीचे आर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो 36 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है टू सर्कुलर क्वाइल वन एंड टू आर मेड फ्रॉम द सेम वायर बट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट क्वाइल इज ट्वाइस दैट द सेकेंड क्वाइल। तो कह रहा है हमारे पास दो वृत्ताकार क्वाइल हैं या छल्ले हैं कह सकते हैं, रिंग हैं या लूप कह सकते हैं, उनमें से एक जो है पहला वाला इसकी त्रिज्या दूसरे वाले की दो गुना है। कह रहा है व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इन द वोल्ट शुड बी अप्लाइड अक्रॉस देम सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट दियर सेंटर इज द सेम। कह रहा है कि हमें कितना विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों सेंटर पर पहली और दूसरी कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड सेम रहे। तो चूंकि त्रिज्या पहले वाले की दो गुना है दूसरे वाली से, तो जाहिर सी बात है कि चुंबकीय क्षेत्र में अंतर होगा। तो ये कह रहा है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस किस प्रकार बैलेंस करना होगा कि हमारे दोनों क्वाइल के बीच में, दोनों क्वाइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सेम रहे। ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एक चीज जो हमसे कह रहा है उसको करते चले जाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए कोई भी विकल्प नहीं सही है, इसलिए स्टार लगाया गया है। कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्वाइल, तो क्वाइल के सेंटर पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है, ये फार्मूले सब एनसीईआरटी में लिखे गए हैं, इनको एक जगह लिख करके आप लोग याद कर लीजिए। तो बी बराबर म्यू जीरो एन आई अपॉन टू आर, वेयर आर इज द रेडियस, यहाँ पर आर क्या है, त्रिज्या है, तो ई अपान आर इक्वल टू आई हो जाएगा। यहाँ पर यह स्थिति क्यों बन रही है, यह स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि हमें पता है वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इक्वल टू वी अपान आर हो जाएगा,
चूँकि पोटेंशियल की बात हो रही है इसलिए I की जगह V अपान R हमको लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ बारीकी से समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो मूविंग चार्ज फील्ड चार्ज पार्टिकल के कारण होता है। तो यहाँ पर करंट के रूप में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा क्योंकि विद्युत धारा यानी करंट की डिफिनीशन यही होती है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी चार्ज का फ्लो हो रहा है और चार्ज का फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो यहाँ पर यह संशय नहीं होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्यों यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। तो आई की जगह ई अपान आर लिखें या वी अपान आर लिखें। अब यहाँ पर देखिए चूंकि करंट का लॉस नहीं हो रहा इसलिए ई लिखा है, विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नहीं तो वी लिखता है। अब देखिए एक की त्रिज्या लूप की दूसरे वाले की क्वाइल की दोगुनी है तो जाहिर सी बात है कि हमें परिधि यानी सरकमफेरेंस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो सरकमफेरेंस की अगर हम बात करें तो सरकमफेरेंस में क्या होगा, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2πr। यहाँ पर ये जो R है ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ये जो स्मॉल R है ये रेडियस है। R बराबर रो L अपान A हम लोग पढ़ते थे तो यहाँ पर L यानी लंबाई से प्रतिरोध का संबंध है। अब इसी मान लो यह लंबाई का कोई तार है उसी को मोड़ करके वृत्ताकार हम बना दें, छल्ला बना दें तो यही L बराबर 2πr हो जाएगी। तो यहाँ पर जो 2πr होगा इस L की जगह अगर 2πr लिखेंगे तो ये R के समानुपाती होगा, इसीलिए R समानुपाती लिखा गया है 2πr के, क्योंकि एरिया तो बदलेगा नहीं तार का और विशिष्ट प्रतिरोध भी हमारा किसी पदार्थ विशेष के लिए नियत होता है। तो ये दोनों चीज नियत हो गई तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया L के और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 2πr के। अगर इस L लंबाई के तार को हम वृत्ताकार पथ में मोड़ देंगे तो यही लंबाई अब परिधि का काम करेगी तो यही L 2πr के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर R समानुपाती हो गया 2πr के, यानी R इक्वल टू CR लिख दिया, 2π नियत है इसको हटा दिया और प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट लिख दिया C। तो वही कह रहा है कि वेयर C इज ए कांस्टेंट, तो अब हम R की जगह CR लिख सकते हैं। तो इन द फर्स्ट कॉयल, पहली कॉयल के लिए B1 इक्वल टू, ये फार्मूला है हमारा, मी जीरो यानी I1 अपॉन 2R1 हो जाएगा इक्वल टू मी जीरो एन I1 की जगह E अपान R होगा तो E अपान R की जगह CR1 लिख दिया और ये R1 यहाँ पर पहले से है और I1 की जगह ये E की जगह यहाँ पर देखिए I की जगह E अपान R है तो I1 की जगह E रखा और अपान नीचे R होगा, R की जगह CR और पहली कॉइल के लिए तो R1 कर दिया और ये R1 पहले से ही है, मतलब I1 की जगह E अपान CR1 लिखा है क्योंकि R की जगह CR लिख दिया तो ये I इक्वल टू E अपान CR हो जाएगा। पहली कॉइल के लिए R1 लिख देंगे, दूसरी के लिए R2 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा, ये लिखा इक्वल टू म्यू जीरो यानी अपान 2CR1 का स्क्वायर, ये R1 स्क्वायर हो गया। अब दूसरे वाले में देखेंगे, दूसरे वाले में अब देखिए यहाँ समझने की बात है कि पहले कॉइल की त्रिज्या दूसरे से दोगुना है तो जाहिर सी बात है कि दूसरे वाले में 2 का गुना अगर कर दें यानी 2 का गुणा कर दें तो R1 के बराबर हो जाएगा। तो
तो यहीं पर, यहाँ पर इसीलिए लिखा गया आर वन बराबर टू आर टू। तो इसलिए बी वन इज इक्वल टू म्यू जीरो यानी ई वन अपान टू सी। अब आर टू की जगह, आर वन की जगह टू आर टू का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया म्यू जीरो यानी ई वन अपान टू सी फोर आर टू का स्क्वायर। यानी बी टू हमारा क्या हो जाएगा, म्यू जीरो यानी ई टू अपान टू सी आर टू का स्क्वायर। तो आर वन हमारा या बी वन जो है दो एक बटे दो है यहाँ पर, और ई वन है, और बी टू में भी एक बटे दो है, और यहाँ पर देखिए चार भी है, यहाँ पर चार नहीं है। तो कैसे किया गया ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि यस बी वन विल नॉट बी इक्वल टू बी टू अनलेस ई वन इज डिफरेंस फ्राम ई टू, ई वन एंड ई टू विल नॉट बी द सेम। तो चूंकि बी वन और बी टू सेम नहीं है, बी वन की वैल्यू ये है, बी टू की वैल्यू ये है, यहाँ नीचे फोर का मल्टीप्लाई है इसमें नहीं है, यानी बी वन और बी टू सेम नहीं है। तो वही कह रहा है कि यस बी वन विल नॉट बी इक्वल टू बी टू अनलेस ई वन इज डिफरेंट फ्राम ई टू। क्योंकि b1 b2 के समान नहीं है, इसलिए e1 e2 के समान नहीं होगा, इसलिए e1 और e2 सेम नहीं होंगे। ये चीज़ निकल करके आ गई। इट इज रॉन्ग टू आस्क दैट, इट इज रॉन्ग टू आस्क व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी अप्लाइड अक्रॉस देम। क्वेश्चन में गलत पूछा जा रहा है कि कितना पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड सेम हो जाए, ये गलत पूछा जा रहा है, इसीलिए क्वेश्चन में आंसर कोई मैच नहीं किया। इट शुड बी परहैप्स द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन द इन दैट केस बी वन इजक्वल टू बी टू, तो ई वन बाई फोर इजक्वल टू ई टू, यानी ई वन बराबर फोर ई टू, यानी ई वन अपॉन ई टू इजक्वल टू फोर हो जाएगा। क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट, यानी ये क्वेश्चन हमारा आंसर गलत है और क्वेश्चन भी गलत है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा नहीं हो सकता कि मैग्नेटिक फील्ड सेम रहे। तो ये बात निकल के यहाँ सामने आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कह रहा है आयन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विद ए यूनिफॉर्म स्पीड वी। कह रहा है किसी वृत्ताकार पथ पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और उसका एक समान वेग कितना है, v है। देखिए यूनिफॉर्म और कांस्टेंट में अंतर है, 100 बार हम आपको ये बात बता चुके हैं, इसको समझने की बात प्रयास करिए। जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी अगर मैग्नेटिक फील्ड एक समान है, नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट का मतलब 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 10 से ही चलेगा, जबकि यूनिफॉर्म का मतलब पहले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, तो दूसरे में 20 मीटर पर सेकंड, तीसरे में 30 मीटर पर सेकंड। तो अंतर कितना का है, 10 का यहाँ भी है, 10 का यहाँ भी है, तो इसे कहते हैं ये 10 का अंतर मेंटेन है, तो इसे नियत वेग से कहेंगे या अंग्रेजी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कहेंगे। अगर ये हर एक सेकंड में भी 10 मीटर से ही चलता तो इसे नियत नहीं, एक समान वेग से चल रहा है, और अगर हर सेकंड में ये 10 यहाँ भी होता, 10 यहाँ भी, 10 यहाँ भी, तो कहते एक समान वेग से, अरे वो नियत वेग से चल रहा है। तो कांस्टेंट का मतलब हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड ही वेलोसिटी रहेगी, जबकि नियत का मतलब या यूनिफॉर्म का मतलब कि हर सेकंड में बराबर मात्रा में वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, जो भी हो लेकिन बराबर मात्रा रहेगी। तो यह समझना है। अब यहां पर देखिए कह रहा है एट द सेंटर ऑफ द सर्किल द रेडियस ऑफ द सर्किल इज प्रोपोर्शनल टू। तो कह रहा है कि जो सर्किल की रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, ये हमको बताना है। तो सीधा क्वेश्चन फार्मूले पर आधारित है, आराम से निकाल लेंगे। कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग
इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ बी इक्वल टू मी जीरो एन आई अपॉन टू आर होता है, अगर कई बार मूव करें वैसे मी जीरो आई अपॉन टू आर। आप देखें जिस हिसाब से हमको क्वेश्चन निकालना है तो त्रिज्या से तुलना करना है हमें मैग्नेटिक फील्ड की, जैसा हमको आंसर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए Q इक्वल टू आई टी होता है, तो I इक्वल टू Q अपान टी हो जाएगा, तो I की जगह Q अपान टी रख देंगे। तो जब हम I की जगह Q अपान टी रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, I इक्वल टू Q अपान टी हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू टू पाई बाई टी होता है, ओमेगा बराबर टू पाई बाई टी होता है और ओमेगा बराबर टू पाई एन भी होता है हमारा, ओमेगा का मतलब कोणीय वेग। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से लिखा जा रहा है कि देखिए हमारा फार्मूला होता है V इक्वल टू आर ओमेगा, V इक्वल टू आर ओमेगा बराबर होता है टू पाई बाई टी, तो टी बराबर हो जाएगा V अपान टू पाई आर, टी इधर आ जाएगा V इधर, तो टी इक्वल टू ये इधर आ जाएगा V इक्वल टू आर ओमेगा, तो V इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, ये T इक्वल टू टू पाई आर अपान V हो जाएगा, V इक्वल टू T इक्वल टू टू पाई आर अपान V हो जाएगा। अब यहाँ T नीचे है तो इसकी जगह रखेंगे तो पूरा उल्टा हो जाएगा, तो V ऊपर चला जाएगा और 2 पाई R नीचे हो जाएगा। अब यही वैल्यू उठा करके I की जगह हम लोग रख देंगे तो B इक्वल टू म्यू जीरो क्यू वी अपान टू, तो पहले था तो 4 हो जाएगा, 4 पाई R पहले था और ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक तरह से हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए म्यू जीरो क्यू और 4 पाई ये कांस्टेंट है, इतना इलेक्ट्रॉन का आवेश नियत होता है, म्यू जीरो नियत है, 4 पाई नियत है, तो अगर हम आर की तुलना करें तो आर इधर चला जाएगा तो वी अपान बी हो जाएगा आर स्क्वायर के समानुपाती, यानी आर इक्वल टू अंडर रूट आर समानुपाती हो जाएगा, तो इधर रूट लग जाएगा वी अपान बी, तो 38 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सारे क्वेश्चनों को करते हैं। अब 39 नंबर क्वेश्चन आ जाता है तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ गिवन लेंथ ऑफ वायर फॉर सिंगल टर्न क्वाइल एट इट्स सेंटर इज बी, देन इट्स वैल्यू फॉर टू टर्न क्वाइल फॉर द सेम वायर। अब देखिए इसके पीछे हमने क्वेश्चन किया था जिसमें एन स्क्वायर के समानुपाती था, एन टर्न थे, तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन ना भी करें सीधा वैल्यू रख दें तो भी आंसर आ जाएगा। तो कह रहा है कि पहले क्वाइल एक है सिंगल तो बी है मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसी के दो फेरे कर दिए गए तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। इसके ऊपर भी हम इस तरह का क्वेश्चन निकाल के कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 गुना हो जाएगा, यानी स्क्वायर का गुणा कर देते हैं सीधा सीधा बी डैश इक्वल टू बी इंटू एन स्क्वायर। तो चूंकि क्वाइल दो गुना दो फेरे किए जा रहे हैं तो 2 का स्क्वायर यानी 4b हो जाएगा सीधा सीधा, इतना सब गणित लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में दिया गया है तो कैसे आया है इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्वाइल ड्यू टू करंट आई फ्लोइंग थ्रू
दिस इज गिवन बाय बी इक्वल टू मी जीरो एन आई अपॉन टू आर। ये कॉयल के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है, यानी इज द नंबर ऑफ टर्न है, आर रेडियस है कॉयल की, और यहाँ पर एन की वैल्यू वन है। हियर चूंकि एन की वैल्यू वन है तो यहाँ पर क्या होगा कि अब हम क्या करेंगे, ये जो आर है तो यहाँ पर देखिए कह रहा है हियर टू इंटू टू पाई आर डैश इक्वल टू टू पाई आर। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जब हम कॉयल को दो बार फेरे लगा देंगे तो जितना परिधि पहले थी उसकी आधी हो जाएगी। तो देखिए दो फेरे कर दिए तो परिधि टू पाई आर डैश है, यानी त्रिज्या उसकी आर डैश हो गई, ये टू पाई आर के बराबर है। ध्यान से फिर समझिए कि कोई कॉयल है, पहले एक फंदा था अब दो फंदे कर दिए गए, तो दो फंदे कर दिए गए तो दो गुणे, अब त्रिज्या अगर आर डैश हो दो फंदे के बाद तो इसकी परिधि टू पाई आर डैश होगी। पहले परिधि क्या थी, टू पाई आर थी सरकमफेरेंस, तो टू पाई आर के बराबर कर दिए गए, तो आर डैश इक्वल टू आ गया आर बाई टू, यानी त्रिज्या पहले की आधी हो गई जब हमने एक फंदे को दो फंदे बना दिए। अब देखे क्या कहता है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ टू टर्न एन बराबर टू इज गिवन बाई, तो बी डैश इक्वल टू मी जीरो, एन की जगह दो रख दिया, आई अपान आर डैश की जगह टू आर डैश कर दिया, क्योंकि त्रिज्या आधी हो गई, तो ये हो गया मी जीरो, ये टू तो पहले था आर डैश हो गया, फार्मूले में ही टू है, तो मी जीरो इंटू टू आई अपान टू पहले से है, और आर डैश आर बाई टू रख दिया, तो ये आ गया मी जीरो आई अपान टू आर, यानी फोर गुना चार गुना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई। तो अगर हम लंबे तरीके से क्वेश्चन को करें तो इस तरह कर सकते हैं, वैसे शॉर्ट तरीका हमने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 0.1 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0.1 मीटर एंड 1000 टर्न एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो सर्कुलर लूप के मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है बी बराबर म्यू जीरो एन आई अपॉन टू आर। सब कुछ दिया गया है, करंट दे दिया, रेडियस दे दिया, एन की वैल्यू दे दिया, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना। तो यहाँ पर देखिए सीधा फार्मूला लगा दिया बी बराबर म्यू जीरो एन आई अपॉन टू आर, तो ये म्यू जीरो की वैल्यू होती है 4 × 10⁻²² इंटू फेरों की संख्या 1000, करंट 0.1 एम्पियर है, दो गुणे त्रिज्या 0.1 मीटर है, साल किया तो आ गया 6.28 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो कुल मिला करके 40 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और इसी प्रकार से करते रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है 41 नंबर, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, आज बस यहीं।